हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में कुछ कीबोर्ड के बारे में बताने वाले हैं। तो जब हम कीबोर्ड में चलते हैं, कीबोर्ड में हम जाते हैं, कीबोर्ड डाउनलोड करने के बाद तो इस तरह का इंटरफेस होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ इस पर जो है टिक लगा देना है। तो टिक लगा देने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसको काटना नहीं है, इस मैसेज को काटना नहीं है, ये एक तरह का ऐड है, इसको ऐड बुलाया जाता है, मतलब बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक कट्टिस है और एक चारठो तीर, तो कट्टिस पर नहीं दाबना है, चारठो तीर पर लेकर उसके ऊपर नीचा कर सकते हैं आप, और इसको काटना नहीं है। तो यहाँ से होता ये है कि आप इसको जितना देखते ना, इस तरह से आपको पैसे देते हैं कंपनी। तो सबसे पहले आप अपना कीबोर्ड का सेटिंग इस तरह से होना चाहिए, इस पर हरा होना चाहिए, इस दोनों पर टिक लगा होना चाहिए, और नीचे इस दोनों पर भी ये ऐसा होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए और कुछ, तो देखिए सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर एक आदमी दिख रहा होगा जिसको हम प्रोफाइल बोलते हैं, तो इस पर क्लिक करना है। ठीक, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर में आपका निक नेम मांगा जाता है, अपना नाम डाल देना है, फिर नाम डाल देना है, यहाँ पे कुमार जो हो सब डाल देना, यहाँ पे अपना जन्मतिथि डाल देना है जो, या फिर उसको कोई बात नहीं उसी डेट को लाना है, और यहाँ पर लिंग अपना चुन लेना है, पुरुष है या महिला। यहाँ पे अपने शहर का पिन कोड डाल देना है, यहाँ अपना शहर का नाम डाल देना है, यहाँ कौन सा आप काम करते हैं, स्टूडेंट हैं क्या है वो डाल देना है, और सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे मतलब इस यहाँ आपको एक नंबर बोलेगा डालने के लिए, जो कि एक रेफरल कोड होता है, तो रेफरल कोड में जो आपको लिंक सब भेजा हुआ है, जिसने आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेजा है, उससे आप उसका रेफरल कोड जान लेना है, और वहाँ पे यहाँ पे रेफरल कोड एक नंबर तरह से मांगता होगा, वहाँ डाल देना है, और डालने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है सेव करने का ऑप्शन, तो सेव कर देना है। और जब सेव करने के बाद यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ आपको इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा, नेटवर्क देखे, तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ का स्क्रीनशॉट जो है ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर जिसने आपको लिंक सब भेजा हुआ है उसको ये स्क्रीनशॉट डाल देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।